समानशील और समान व्यसनी श्रोता मित्रों दिस इज माई लेटर टू द वर्ल्ड विश्वविख्यात अमरीकी कवि एमिली डिकिंसन की विश्वविख्यात कविता की पहली ही पंक्ति मुझे याद आ रही है मन में आया कि यदि कविता भी चिट्ठी ही है तो फिर चिट्ठी क्या है भले ही वह कवि की तरह पूरी दुनिया को संबोधित हो मात्र एक व्यक्ति को नहीं मित्रों अशोक सेक्सरिया सरी के विरल कोटि के चरित्रों के सुदीर्घ सत्संग को जीना पाना कितना उन्मेषकारी हो सकता है इसका कुछ अनुमान मुझे लिखे गए उनके पत्रों से आपको हो सकता है हालांकि कुछ एक ही नमूने इस पत्राचार के यहाँ सुनाए जा सकते हैं समय की सीमा में पत्र लिखने वाले उन्हें पाने वाले को तो उसके लिखे पढ़े जाने के समय कल्पना भी नहीं हो सकती मित्रों कि इतनी निजी संपदा को कभी सार्वजनिक भी होने की नौबत आ सकती है पत्र भी यूँ तो साहित्य के ही एक अंग या कि विधा की तरह अब स्वीकृत हो गया है हर जगह किंतु उसकी प्रकृति अन्य कोटि के लेखन से सर्वथा भिन्न है पत्रों के माध्यम से जो अभिव्यक्त होता है मित्रों वह किसी भी अन्य माध्यम से नहीं हो सकता इसलिए कि उसमें संबोधन और संबोध्य के अलावा किसी तीसरे अन्य की उपस्थिति का एहसास ही नहीं होता कल्पना भी नहीं हो सकती कदाचित इसीलिए पत्रों का अपना एक विलक्षण ही स्वाद और महत्व भी होता है और साहित्य की मुख्य विधाओं की तरह ही उनसे तुलनीय और फिर भी सर्वथा अलग स्वर अलग टोन और टेम्पर उन्हें अपना अनोखा अतुलनीय विलक्षण महत्व भी प्रदान करता है पत्रों को सहेजना और वक्त पर उन्हें खोजना पाना आसान नहीं होता इस तथ्य से आप लोग सभी परिचित होंगे अशोक सक्सेरिया से मेरा बहुत लंबा पत्राचार का संबंध रहा बरसों का वैसा ही जैसा दार्शनिक शल्य जी अज्ञे जी या निर्मल वर्मा जी से किन्तु तो बड़े जतन से संभाले हुए पत्र भी जरूरत पड़ने पर ढूंढने चलो तो नदारद मिलते हैं पत्र का संबोधित तो मित्रों जाहिर है कोई खास व्यक्ति ही हो सकता है लिखे जाने की प्रक्रिया में वही उसका लक्ष्य और प्रेरक दोनों होता है जैसा कि मेरे दार्शनिक मित्र दयाकृष्ण जी ने अपने एक पत्र का उपसंहार करते हुए मुझे लिखा था अंग्रेजी में था वो पत्र इमेजिन राइटिंग टू यू लाइक दिस बट इट इज द पर्सन टू होम द लेटर इज रिटन दैट प्रोवोक्स एंड इनवोक्स अ थॉट करेंट एप्रोप्रिएट टू हिम और हर अर्थात विचित्र है ना तुम्हें लिखते हुए ऐसी ऐसी बातें सूझना परंतु तो विचित्र भी इसे क्यों कहूँ पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जा रहा है वही तो प्रेरित करता है ऐसी विचार तरंगों को जो उस व्यक्ति के ही अनुरूप होंगी उसी के स्वभाव और वृत्ति के अनुरूप मैं यहाँ जो बान गया अपने मित्र की अशोक जी की पत्राचार की प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उनमें ज़्यादातर मेरी रचनाओं पर उनकी प्रतिक्रिया के रूप में भी हैं किंतु कुछ पत्रों में समसामयिक साहित्य क्षेत्र की घटनाओं को लेकर भी हैं कुछ अन्य विशिष्ट व्यक्तियों की चर्चा आती है जो कि अशोक जी मेरे ही नहीं मेरे परिवारजनों मेरी पत्नी ज्योत्ना मिलन और बेटियों शंपा और राजुला के भी उतने ही आत्मीय और घनिष्ठ थे कहीं कहीं पत्रों में अन्य लेखकों का भी प्रसंगवश जिक्र आ ही जाता है जिनसे अशोक जी का और मेरा भी संबंध रहा जिस रचना पर वे अपना अभिमत दे रहे हैं उस पर अन्य लेखकों की क्या प्रतिक्रिया थी या है इसमें भी उनकी उत्सुक दिलचस्पी थी ये पत्र आपके सामने आपको ये भी दर्शा देंगे अशोक जी के पत्रों को अशोक जी के पत्रों से उनकी साहित्यिक अभिरुचि का मर्मग्राही स्वभाव का भरपूर आभास मिलता है ऐसे पत्र किसी बाकायदा समीक्षा से भी कहीं अधिक दिलचस्प और दिमागचस्प ही नहीं मर्मोद्घाटक भी हो जाते हैं ये बातें पत्र में ही प्रकट हो सकती थी उसकी तात्कालिक उत्तेजना में जो किसी भी समीक्षा से कहीं अधिक क्लोज रीडिंग बिल्कुल निकट पाठ मर्मी पाठ का उदाहरण बन जाता है विषय उनका मेरी ही रचनात्मक करतूत है कई चिट्ठियों में या उनके बारे में बात करने में से ही संकोच का कारण भी बन जाता है किंतु बिना उनका जिक्र किए उनकी पाठकी विशिष्टता उनके नितांत विशिष्ट मूल्यग्राही मूल्यवत्ता को कैसे बताएं कैसे बताया जा सकता है इसलिए अपने असंकोच को छोड़ना ही पड़ता है अशोक जी कैसे व्यक्ति थे कितने संवेदनशील समाज धर्मी समाजमर्मी और कितने अतुलनीय व्यक्ति वैशिष्ट्य वाले भी यह उनके पत्रों से ही जाना जा सकता है उनकी कहानियाँ उनके कथेतर लेखन की तो जगह तो कोई और चीज़ नहीं ले सकती किंतु यह सच्चाई हमारे सिर पर चढ़ के बोलती है मित्रों उनके पत्र पढ़ते हुए कि जो छवि उनके असाधारण रसज्ञता और साहित्यिक समझ की इन पत्रों के ज़रिए उभरती है वह और किसी माध्यम से उस तरह अपनी तात्कालिकता में प्रकट नहीं हो सकती थी वे सहजिया विचारक सहजिया समाजधर्मी सहृदय थे और उनकी उसी की एक शांत संश्लिष्ट छवि उभरती है पढ़ने वाले के या सुनने वाले के भी मन में ये पहला पत्र जो मैं पढ़ रहा हूँ सुनिएगा प्रिय रमेश जी आपके पत्र मिले उनका जवाब देना इसलिए कठिन जान पड़ता है कि कितनी सारी बातें लिखने को हैं और उन्हें लिखने के लिए प्रचंड धीरज चाहिए और मेहनत भी दोनों ही मेरे बूते के बाहर की बातें हैं आपके पत्रों का जवाब देने के लिए आपके उपन्यास की तर्ज अपनाई जा सकती है यह सोचकर जवाब देने की हिम्मत हो रही है जवाब हे वायर हो जाए तो हो पहली बात मेरे गधे पर और भयभीत स्वभाव की है उपन्यास मुझे आपका डाकि से रास्ते में ही मिल गया बस में उसे पढ़ना शुरू किया तो ख्याल आया कि इस उपन्यास को बस की यात्राओं के दौरान ही पढ़ा जाए कैसा रहेगा क्योंकि उपन्यास पढ़ते हुए चालीस पैंतालीस वर्ष पहले के एंटी नोवल के दिनों की याद आ गई मुझे जिसमें कुछ लेखकों का यह आग्रह रहता था कौन थे वो लेखक रॉब ग्रिये, नथालिया सरात इत्यादि तो ये इन लोगों का आग्रह था कि उनका उपन्यास कहीं से भी पढ़ा जा सकता है ये नहीं पहले अध्याय से पढ़ना आवश्यक अनिवार्य हो ये एंटी नोबल वाले लेखकों का आग्रह था कि उनके उपन्यास कहीं से भी पढ़े जा सकते हैं और मुझे लगा कि आप कहीं नहीं रहते भी होती बाबू नाम का यह उपन्यास आपका इस शर्त को पूरा करता है तो पहली बात यह है कि दिमाग तब पहली बात तो यही मेरे दिमाग में आई दूसरी बात यह आई कि इसे लगातार सपाटे से नहीं पढ़ना है जिसका एक बड़ा कारण ये था कि मैं अपने पास कोई काम रखना चाहता था जिसे मैं एकदम मन न लगने और की हालत में कर सकूं इस कारण के चलते उपन्यास सात दिन में लगभग एक डेढ़ एपिसोड रोज के हिसाब से पढ़ा मॉर्निंग विस्डम नाम के अध्याय के बाद सोचा कि समाप्त कर ही देना चाहिए सो तीस पन्ने एक बार में पढ़ गया पता नहीं मुझे लगता है कि पढ़ने का यह ढंग उपन्यास के शिल्प और उसके मर्म के बारे में भी कुछ न कुछ ज़रूर कहता है क्यों मैंने उसे इस तरह पढ़ा या सोचने पर मुझे लगा कि वह ऐसा अनुभव था जिसमें इतमीन से लहरों को गिनने की ज़रूरत थी विभूति बाबू की लहरों को एक साथ झेला नहीं जा सकता एक साथ झेलने पर बुरी तरह तरबतर हो जाने की आशंका थी जिसे निचोड़ पाना भी संभव नहीं हो पाता अभी भी उपन्यास पूरा पढ़ लेने के बाद भी मैं निचोड़ नहीं पाया हूँ उसे और दिमाग पर जो पढ़ा है उस पढ़ा है उसका इम्प्रेशन ही ज़्यादा है शंपा का ब्लर्ब शुरू के पढ़ने पर हावी रहा हावी इस अर्थ में कि शुरू के हिस्सों में मुझे ललित निबंध की अद्भुत स्वतंत्रता छाई हुई मिली और यह लगा कि ललित निबंध में जो अमित संभावनाएं हैं वे पर्सनल ऐसे से उनका आशय है जिसको हिंदी में ललित निबंध कहा जाता है तो इस पर्सनल ऐसे में जो अमित संभावनाएं होती हैं उनको आपने बड़ी कुशलता से साधा है हिट लिस्ट की सूची तो कमाल ही है पढ़ने में इतना आनंद इतना मज़ा देती है कि वह विभूति बाबू जैसे अस्थिर भयभीत और शंकालु व्यक्ति के दिमाग की उपज हो सकती है इसमें सोचने पर संदेह होता है पर तर्क तो उपन्यास का आधार नहीं होता मज़े की बात यह है कि सूची हास्यास्पद बनाने की आपने पूरी कोशिश की है बनने के बजाय हास्यास्पद बनने के बजाय आत्मथा लेखन की तार तार खबर ली थी मुझे ठीक याद नहीं आया सेलिंगर का जो उपन्यास है ना फैनी एंड जॉई उन किताबों के नाम हिज्जे भी मुझे अब याद नहीं है मैं नंबर बार कोई सूची बहुत साल पहले पढ़ी थी तो उसे पढ़ने पर जो मज़ा आया था वैसा ही मज़ा उससे भी ज़्यादा आपके उपन्यास में मुझे आया रमेश चंद्र शाह में ऐसी क्षमता होगी यह मेरी कल्पना के परे था आपका उपन्यास पढ़ते हुए मुझे स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य की एक बात बड़ी याद आती रही उस बात को लिखने से पहले उनके प्रति श्रद्धा ज्ञापन करने के लिए बताता हूँ आपको मैंने उनका लिखा सब कुछ मैंने नहीं पढ़ा पर वह सोशलिस्टों के बीच मेरे ख्याल से शायद आपके गुरु विजय देव नारायण शाही के समकक्ष माने जा सकते हैं उनके प्राचीन साहित्य के ज्ञान ने तो मुझे मुग्ध किया ही उनके स्वभाव की कोमलता ने अभिभूत कर दिया उन्होंने मुझसे कहा था कि लोग यह बात अक्सर भूल जाते हैं कि साहित्य स्वयं साहित्य का ही खाद्य होता है उन्होंने पढ़ने का अनुभव जीवन के अनुभव से गौण नहीं है जिस सुंदर ढंग से यह बात उन्होंने कही थी मुझसे उस तरह लिखना मेरे वश का नहीं है विभूति बाबू की आत्मकथा वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य की बात को चरितार्थ करती जान पड़ी मुझे और उसने उपन्यास की इसलिए आलोचना की जा सकती है उसको मेरे लिए एकदम महत्वहीन बना दिया एक बात ज़रूर है कि आपने श्रीलाल शुक्ल जी की राय इस उपन्यास पर उनकी राय लिख करके वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य की बात का मेरे दिमाग में प्रवेश करवाया श्री जी की बात के पहले मेरे दिमाग में वीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य की बात रही होगी तो भी वह दबे रूप में थी मैं उपन्यास को हिंदी के सामान्य पाठक जैसा आनंद लेकर ही पढ़ रहा था और लिटरेरी एल्यूजिवनेस का कोई बोध उस तरह से अतिरिक्त मुझ पर नहीं था श्रीलाल जी की राय इस उपन्यास पर जो आपने लिखी है उसे पढ़ने के बाद बहुत जगह पर मेरे ख़्याल में वह मेरे जैसा सतही ऊपरी ऊपरी जानकारी रखने वाले हिंदी पाठक के लिए तो कहीं भी बाधक नहीं होना चाहिए क्योंकि कम से कम जानकारी पाठक के लिए नहीं शुरू की जो ललित निबंध वाली शैली ने कौतुक बेंटर और लाइट हार्टेडनेस का ऐसा समा बाधा कि मुझे ये लग रहा है कि हिंदी का यह शायद पहला उपन्यास है जो कि कौतुक ही कौतुक में जीवन के गंभीर से गंभीर प्रश्नों और समस्याओं को व्यक्त करता उनका पेंडोराज बॉक्स बन जाता है यह उपन्यास का बड़ा मार्मिक पक्ष है मेरी यादाश्त एकदम खत्म हो गई इसे उपन्यास पर लिखते हुए उसे सामने रखने की बात सोची थी शंपा का ब्लर्ब मैंने फिर से पढ़ा तो लगा कि ऊपर मैंने जो कुछ लिखा है वह एक तरह से शंपा ने जो लिखा उसकी ही जुगाली जैसी है बार बार मैं मैं हो रहा है पर दारिद्र में लिखा उस पर मुझे आगे लिखने के लिए पीछे बार बार पढ़ना पड़ता है इस पढ़ने में मुझे पता लगा कि मैंने शंपा का ह्यूमरस अप्रोप ह्यूमरस टोन अप्रोप्रिएट कर लिया था और फिर किसी अवचेतन प्रक्रिया के चलते ह्यूमरस को काटकर कर अमरीकी लिख दिया होगा थोड़ी देर पहले मैं याद कर रहा था कि उपन्यास में बांग्ला के दो शब्द जो कि बांग्ला में हिंदी से थोड़ा भिन्न अर्थ में अर्थ देते हैं और इसमें भी एक नई छटा बनाते हैं उपन्यास पढ़ते हुए उन दोनों के बारे में मैंने याद करके आपको लिखने की बात सोची थी दोनों ही शब्द याद नहीं आ रहे थे जबकि एक शब्द को मैं चंद मिनट पहले ही किसी अन्य प्रसंग में सोच रहा था वह शब्द है अपदार्थ बांग्ला में अपदार्थ एकदम बोलचाल का शब्द है और वह एक साथ फ़गौ जैसा तात्कालिक भर्तना का शब्द होने के साथ साथ शाश्वतता को प्रकट करने वाला गंभीर शब्द भी है बंगाली जब अपदार्थ कहता है तो उसमें तात्कालिकता और शाश्वतता दोनों एक साथ रहती है उपन्यास में आपने कहीं अपदार्थ लिखा तो है और उसे पढ़ते हुए मैं लगभग उछलता गया कि हिंदी का कोई लेखक आ, उसे बांग्ला की पूरी छटा में कैसे लिख सकता है कैसे मन में बा आया ये शब्द आपके विभूति के साथ खिलवाड़ ने भी मुझे कुछ इसी तरह उछलने की बात पैदा की पढ़ते हुए तो जो बातें मन में आती रहीं उनमें से प्राय सारी भूल गई हैं बुढ़ापे का एक आनंद शायद भूलना भी है दिन में बीस बार चश्मा खोता है और बीस बार मैं उसे खोजता हूँ खोजने प्राप्त करने के कारण पहले जैसा पैनिक भी नहीं नहीं आनंद ही आता है जब जब भूली बातें याद आ जाएंगी तो वे आश्वासन और आनंद का ही सबब बन जाएंगी परिशिष्ट के बारे में आपकी सूचना ने मुझे पहले ही सचेत कर रखा था परिशिष्ट एक बार गिमिक जैसा लगा जो कहीं वो है भी पर अगर गिमिक को अपने बदमूल संस्कारों के कारण न माना जाए तो रेटरिक की तरह उसको भी स्वीकार करने में और उसका अर्थ सम्पन्नता में योगदान करने में क्यों परेशानी हो एक स्तर पर सारे उपन्यास को एपिक के तुक में गेमिक मानने की इच्छा भी हो जाती है विचित्र है ना विभूति बाबू का आपका यह निश्चित गेमिक एपिक जो लिखूँगा अब मैं वह तारीफ का पुलिंदा बनता जाएगा और आत्मीय स्वजनों मैं ही यह शब्द ज़्यादा प्रयुक्त होता है पर मुझे वह बहुत प्रिय है तो इसका विस्तार मुक्तिबोध के पार्ट यार पार्टनर तक करना चाहता हूँ यार पार्टनर की तारीफ करने के बजाय उनकी प्रेमपूर्ण आलोचना ही करनी चाहिए सो यही समाप्त करता हूँ एक बात लिखे बिना नहीं जा रहा जा रहा है कलकत्ता जोड़ा में जोड़ा को म्यूज़ियम में रविंद्रनाथ के चित्रों में आपने अपने वारसायन जी के प्रति प्रेम के कारण एक ग्रुप फोटो में आशा मुकुलदास का चित्र पहचान लिया था कहा था आपने विभूति बाबू के प्रति विभूति बाबू के वाशायन जी के प्रति प्रेम को मैंने एक जगह तो पकड़ा ही ब्राउनिंग के ने एकदम आशा मुकुलदास के चित्र को पहचानने जैसी बात आपने कर दी हिंदी जगत अब वाशायन जी के ब्राउनिंग प्रेम को भूल गया है वह पर उनका प्रेमी कैसे भूलता प्रयाग शुक्ल ने प्रयाग ने मुझे लिखा था कि उसे उपन्यास बहुत अच्छा लगा था निर्मल जी और गगन जी की राय से भी यह आश्वासन मिला कि मैं बहका नहीं हूँ बिल्कुल उपन्यास के बारे में एक बात लिखने की हुई पर उसे मैं लिखना नहीं चाहता था पर उसका नियमित अपने आप आज पैदा हो गया अलका सरावगी ने मुझसे विभूति बाबू को मांगा उनके पास कवि संजीव मिश्र का कोई मेल आया था कि क्या उन्होंने रमेश चंद्र शाह का आपके कहीं नहीं रहते विभूति बाबू पढ़ा है वो उपन्यास क्लासिक है और उपन्यास लेखन क्या हो सकता है यह बताता है दो दिन पहले शर्मिला बोहरा ने मुझसे कहा कि वो उपन्यास लिख रही है तो उसके स्ट्रक्चर को लेकर बड़ी मुश्किल हो रही है तो मैंने उससे कहा कि चलो तुम्हारी मुश्किल दूर हो जाएगी आप कहाँ रहते हैं विभूति बाबू पढ़ जाओ उसने कहा कि मुझे अभी दे दीजिए पर मैंने उससे कहा कि मैं रमेश जी को पत्र लिख चुकने के बाद ही दे सकता हूँ अलका से भी मैंने यही कहा अब इस पत्र के समाप्त होने पर पहले किससे मुलाकात होगी उस जिससे भी मुलाकात होगी उसी को दे दूँगा संजय मिश्र की कविताएं मैंने पढ़ी नहीं है अलका ने पढ़ी है और उसकी राय में वे बड़ी सच्ची कविताएं हैं संजय मिश्र को मैं जानता भी नहीं पर उनकी राय सुनकर पता नहीं क्यों एक प्रकार का उल्लास आ जगा हिंदी में सुदेश पचौरी के प्रताप से जो दो अनुवादी शब्द पाठ और विमर्श चल पड़े हैं उनसे एकदम अस्पृश्यता बरतने का मेरा संबंध संकल्प था लेकिन विभूति बाबू के मिलान चिंतन मनन के बारे में मजबूरी में वह अस्पृश्य नहीं रह गया है स्पृश्य हो रहा है घटना so, की तरह विभूति बाबू के असंख्य पाठ मन में घुमड़ रहे हैं और उनमें बिजली कड़कड़ा रही है बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही है यह और लग रहा है कि मैं बहक रहा हूँ तारीफ़ ही तारीफ़ में उपन्यास को दूसरी बार पढ़ने पर और थोड़े अंतराल के बाद पढ़ने पर पाऊँगा कि उपन्यास में से मैं सिर्फ इन्फेचुएट हुआ या सचमुच प्रेम में पड़ा अभी मैं दूसरा पत्र पढ़ता हूँ प्रिय रमेश जी अभी अभी पूर्वा पर खत्म किया आपने मुग्ध कर दिया न जाने कितने प्रेत उकसते रहे उपन्यास खेल भी हो सकता है रहस्य और तिलिस्म भी हो सकता है और न जाने क्या क्या हो सकता है यह महसूस होता रहा जिस चीज़ का आभास या छाया उपन्यास के शुरू में मुझे हुआ था उसके उसको अंत में घटित होते देखकर एक प्रकार का आह्लाद सरीखा हुआ बांग्ला में निखूत शब्द है जो कि सांगो पांग और सटीक से भी आगे जाता है कहानी के माध्यम से ऐसा निखूत ताना बाना आपने बुना है जो बुना है वह कैसे बुना गया यह कोई दैवी वरदान शरीर का होना चाहिए सबसे बड़ी बात आपके उपन्यास की सहजता है इतनी सहजता से लिखा जा सकता यह मेरी कल्पना से बाहर की बात थी आपके लेखन में जो भी आग्रह रहते होंगे रहते हैं उनसे यह है एकदम मुक्त लगा कहीं आपने आग्रहों को एकदम सब्लुमेट करने में महान सफलता प्राप्त की उपन्यास कहीं से भी पोलिमिकल भी नहीं बना उपन्यासकार का सत्य उपन्यासकार का मन कभी पोलिमिकल होता नहीं जबकि उससे वे सारे तत्व थे उपन्यास मेरे सामने है उससे न जाने कितने उद्धरण देने की मेरी इच्छा हो रही है मैंने पहला हिस्सा पढ़ने के बाद सोचा था कि अब आप उसको बिगाड़ने पर तुल जाएंगे गोबर गणेश की तरह <laughs> उस पर गोबर गणेश पर भी उन्होंने दूसरे भाग से उनको जो असंतोष था तो लिखा था सच मुझे मुझ कर दिया आपने बहुत बहुत मुक्त हो गया मैं जाने अनजाने मैंने आपके बारे में जो मनी मन आशंका करता रहता था आशंका और आशा एक ही चीज़ है बहुत बहुत बधाई बधाई मुझे वलगर शब्द लगता है और कभी कभी सबलाइन को वलगर शब्द में ही प्रकट करना पड़ता है बस चिट्ठी यही समाप्त मुझे लिखना आता तो कम से कम दस पन्ने अवश्य लिखता ज्योष्ण जी को पत्र लिखने को जरूर कहें उन्हें उपन्यास कैसा लगा यह जानने की मुझे बड़ी इच्छा है नवीन सागर को भी कैसा लगा क्या मैं किसी जादू टोने का शिकार हो गया हूँ कि मुझे उपन्यास ऐसा अद्भुत लगा पूर्वा पर उपन्यास पर आपको जो प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुई हों उनके बारे में भी ज़रूर लिखें कल से पूर्वा पर पढ़ना शुरू किया था और आज समाप्त किया तो तबीयत बहुत अच्छी लग रही है यह कहीं आपके उपन्यास का करिश्मा तो नहीं ये एक पत्र है इक्कीस पाँच पचासी की तारीख पड़ी है इसमें फिर रमेश जी आपको पत्र देने में बहुत देर हो गई मैं तीन चार दिन बाहर चला गया था तीन चार दिन कुछ दोस्त भी आ गए थे सबको पहले तो सबसे पहले तो मुझे यह लिखना है कि आपका पत्र पाकर एक प्रकार का आहलाद हुआ क्योंकि मेरे मन में कहीं थोड़ी शंका थी कि मैं वैसा जैसा मैंने लिखा था वैसा ग्रहण करवाना चाहता हूँ वैसा वह ग्रहण होगा कि नहीं सचमुच आपने जैसा लिखा है मेरी आलोचना अगर वह आलोचना थी तो अत्यंत आत्मीयता थी आपका बहुत कृतज्ञ हूँ कि आपने आपने गोबर गणेश के प्रति मेरे प्रेम को समझा इस पत्र में उसी प्रेम के बारे में ही लिखता हूँ जब मैं गोबर गणेश पढ़ रहा था तब उसके बारे में किसी से बात करने की मेरी बड़ी प्रबल इच्छा होती थी यह इच्छा एक प्रकार की फिजिकल इच्छा सी थी जो मुझे महान उपन्यास को पढ़ने पर होती है उपन्यास मेरे निकट सबसे बड़ी चीज़ है जिन दोस्तों से मैं बात कर सकता था उनमें से कोई भी जब मैं गोबर गणेश पढ़ रहा था कलकत्ता में नहीं था इसलिए वो अवसर चूक गया चला गया और उस अवसर को पूरा प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि तब मैं उससे एकदम अनभिज्ञ अवस्था में पढ़ रहा था आपसे गोबर गणेश की चर्चा करने पर कहीं यह लोभ था कि शायद उस अवसर को फिर से प्राप्त कर सको अभी जब यह लिख लिख रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको पिछले पत्र में लिखा था कि गोबर गणेश की आपने जो चर्चा की उसका उसका मैं लाभ उठाना चाहता था अब मुझे खुशी हो रही है कि बिना सोचे विचारे जो वाक्य मैंने लिखा था वह कहीं आगे शब्द के हल्केपन के बावजूद गहरा था ऐसी आत्मृति को मैं क्षम्य मानता हूँ एक बात यह कहनी है मुझे कि महान उपन्यास के एक कसौटी मेरे लिए उसमें कोइंसिडेंस यानी संयोग या मेलोड्रामा जैसी घटना भी मालूम पड़ती है जब कोइंसिडेंस या मेलोड्रामा मुझे बहुत गहरा मालूम पड़ता है तब कहीं मैं अपने मन में उपन्यास के महान होने का प्रमाण सा प्राप्त कर लेता हूँ गोबर गणेश में बस वाला जो प्रसंग है ना वो मुझे अभी पूरा याद नहीं आ रहा है मेरी स्मृति एकदम क्षण भंगुर हो गई है या जैसे कोइंसिडेंस या मेलोड्रामा ऐसा ही मुझे लगा था मैंने शाही जी वाले पत्र के बारे में भी इस बात की चर्चा की थी शायद वह आपके ध्यान में नहीं आई मैं ये चाहता हूँ कि मेरा आशय समझ करके आप उस विषय में मुझे कुछ लिखें ताकि उसके बारे में कुछ बात करने की जो मुझे इच्छा अतृप्त रही आई है उसकी पूर्ति हो जाए आपने अपने पत्र में जो लिखा है बौद्धिक संवेदना के बारे में उससे मेरी सहमति है होता यह है कि हम जो कुछ कहते हैं वह अंदर कहीं एक अतिरंजना या प्रतिपादन का रूप ले लेता है और मैंने आपको लिखा था वह अभी कुछ ऐसा ही हो गया था लेकिन कहीं मेरे दिमाग में यह बात मेरे दिमाग से जाती नहीं ये बात कि क्या बात है कि जब मैं शरद चंद्र को पढ़ता हूँ विभूति भूषण और बंधु उपाध्याय को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा परिष्कार हो रहा है मैं ज़्यादा सहानुभूति और संवेदना के साथ सोच पा रहा हूँ लेकिन आधुनिक आधुनिक लेखकों को पढ़ता हूँ तो कुछ भी ऐसा नहीं महसूस होता यह एक ऐसी स्थिति है जो कहीं मुझे बहुत ही डिस्टर्ब करती अभी मेरे पास टीकमगढ़ के बाल साहित्य की भी एक पत्रिका आई थी उसमें आपके बच्चों की कविता गोलू के मामा की समीक्षा छपी है यह जानकर मुझे बड़ा कौतुक बड़ा आश्चर्य प्रसन्नता हुई कि आपने बच्चों के लिए भी लिखा कविता है कविताएँ लिखी हैं बच्चों के लिए कुछ लिखने की मेरे मन में बड़ी इच्छा हो रहती है पर साहस नहीं होता आजकल उपदेश का इतना ज़्यादा विरोध है कि मैं जो कुछ भी लिखने की सोचता हूँ उसमें कहीं ना कहीं उपदेश का तत्व पाता हूँ और इससे लिखने की शुरुआत ही नहीं हो पाती मेरे भांजे के बेटे का नाम गोलू है तो कहीं गोलू के मामा मुझे बड़ा परिचित लगा गोबर गणेश का नाम के आकर्षण से मैंने गोबर गणेश को खोज करके पाया था और पढ़ा था कहीं गोबर गणेश से मेरे मन में और दोस्त वस्की के इडियट की छाया उभरी थी आपसे उन दिनों पदभार हुआ होता तो कितना अच्छा होता एक बात और उपन्यास से जुड़ने के पीछे पहाड़ी इलाकों का आकर्षण भी रहा है और एक छोटा सा पत्र है मेरा एक वेल्स में रहने वाला मित्र था डाविड रावल वो आया था कलकत्ता में उससे मिलने को गया था तो दो दिन वहाँ अशोक जी के घर ही रहे थे हम लोग उनको डाविड बहुत ही पसंद आया था हमारे अशोक जी को सक्सरिया जी को ज्योत्ना जी से डाविड की मृत्यु का समाचार मिला आपके लिए कैसा मरमाघात होगा इसकी मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ साथ समुंदर पार के इस व्यक्ति से बड़े भाई सा स्नेह और संरक्षण देने की उसकी छवि आपको मेरे मन से कभी नहीं भूलेगी पता नहीं ऊपर डेविड आपसे बड़ा था या छोटा लेकिन उसका आपके प्रतिभाव बड़े भाई का था दो दिन उसको मैंने जो लगातार देखा जाना सुना उसे जाना कि एक अंग्रेज़ साहब भी साहब नहीं होता मैं मूक श्रोता और ऑब्जर्वर था आप दोनों की बेहद दिलचस्प बातचीत का मैंने उस दिन के पहले कभी सोचा भी नहीं था कि कोई अंग्रेज़ ऐसा हो सकता है दो दिनों की देखा देखी में किसी व्यक्ति के प्रति अपार आदर और प्रेम मन में पैदा हो सकता है इसका भी मुझे भान न था डाविड की पत्नी का पता तो लिखें जरा ताकि मैं उन्हें पत्र लिख सकूँ संवेदना का और हाँ रमेश जी आपका इस बार का कॉलम जनसत्ता में महान था चंपा ठीक हो रही होगी तब चंपा छत से गिर पड़ी थी चोट आई थी उसको उस समय की बात है उसी का रेफरेंस है शंपा ठीक हो रही होगी उसकी कोई चिंता मुझे नहीं हो रही मैं निश्चिंत हूँ उससे कहिएगा मैंने उसे पत्र भी लिखा है योजना के लिए आगे ये पत्र है। इसमें ज्योत्ना जी के नाम भी कुछ पंक्तियाँ हैं अनसुईयाँ मिलती है ज्योत्ना जी मेरा चंदा कब का समाप्त हो गया होगा तो आप कृपया बताइए मुझे कितना देना है आपको मुझ पर बुढ़ापा इस तरह सवार हो गया कि कुछ पढ़ा भी नहीं जाता और लिखने को भी कुछ नहीं है मेरे पास आपकी समीक्षा मैंने ढूंढी भी नहीं क्योंकि उसने पढ़ने पर मुझे लगता है कि मैं बहुत शर्म महसूस होगी मुझे पता नहीं मैं भूल जाना चाहता हूँ कि कभी मैंने लिखने का प्रयत्न किया है बस यहीं समाप्त करता हूँ ये पता नहीं गड़बड़ हो गया है ये बहुत लंबा है इसमें से कुछ ही अंश सुना सकता हूँ फिर रमेश जी आपके पत्र में उनका जवाब देना इसलिए कठिन जान पड़ता है कि कितनी सारी बातें लिखने को हैं और उन्हें लिखने के लिए प्रचंड धीरज चाहिए और मोहलत भी दोनों ही मेरे बूते के बाहर की बातें हैं उपन्यास मुझे डाकिए से रास्ते में मिला बस में उसे पढ़ना शुरू किया तो पाया कि इसको बस की यात्राओं के दौर यार ये मैंने पढ़ चुका हूँ मुझे लग रहा है ये गलती हो गई शायद ये नहीं पढ़ा गडमड्ड हो गया मामला नहीं आ रहा क्या है। आपका अठारह जनवरी का पत्र उसके बाद पच्चीस जनवरी का पत्र दोनों मिले उनका तुरंत जवाब देना चाहिए था पर मेरी शारीरिक और मानसिक हालत ऐसी हो गई है कि मैं ये चाहने लगा हूँ कि बस आंखें बंद के पड़ा रहूँ और मुझे प्रोस्टेट कैंसर था यानी मुझे ऐसा विश्वास भी हो चला था दिन में तीस चालीस बार साफ करते करते बेहाल था बुखार था ऐसे में जिस दिन मैंने तय किया कि मुझे कोई टेस्ट आदि बिल्कुल नहीं करवाना है और अपने को समाप्त होने देना है एक वसीयत भी लिख डाली और उसमें शाह परिवार के प्रति कृतज्ञता भी विज्ञापित कर दी कि जिसका इतना स्नेह मिला और जिसका मैं कभी कोई प्रतिदान नहीं कर सका वसीयत लिखने के बाद से तबीयत सुधरने लगी पर मैं एक प्रकार का आपकी तरह का ही वाइनिंग सिक्का ऐसी जीव हो जो हमेशा कोई ना कोई दुख पालने में जीवन की सार्थकता का बोध करता है इस बोध का एहसास होने के कारण और अपनी इस प्रवृत्ति के प्रति तिरस्कार का स्थाई भाव रखने के कारण आप पर मुझे बहुत गुस्सा आता है आपने अपने वाइनिंग स्वभाव से एक सबक मैंने ज़रूर लिया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हम वाइन करते रहते हैं चिरचिड़ाते रहते हैं एकदम निरर्थक हैं और उनके बारे में एक फिलोसॉफ़िकल एटीट्यूड अपनाना चाहिए अपमान तो मैं महसूस नहीं करता और और अशोक के नाम आपका पत्र मुझे बहुत बुरा लगा हम ऐसे ही वलनरेबल हैं और इस प्रकार के रुदन से अपने को और ज़्यादा वलनरेबल बनाते रहते हैं अशोक से मतलब उनका अशोक माहेश्वरी से है अशोक माहेश्वरी के पत्र से मरमाहत होना आपका अक्षम्य है आप मेरे हीरो वानगोक को तो याद करें उसका एक भी चित्र नहीं बिका पर वह इससे विचलित नहीं हुआ विचलित होने और आत्महत्या करने के उसके दूसरे कारण थे भाई स्वर्गीय जमलालाल बजाज जो एक प्रकार के सहज संत थे इनके पिताजी के भी बहुत नज़दीक थे जमुना लाल बजाज वे सहज सन्त थे और उनकी एक इमेजिनेटिव बायोग्राफी लिखने की वासना लिए हुए मुझे मृत्यु पर्यंत जीना है अपने बारे में इतने संदेहों से घिरे रहते थे जमुना लाल जी कि उन्होंने मान लिया कि उनमें दोष ही दोष हैं और उन्होंने कुछ भी अच्छा काम सार्थक काम नहीं किया है इस पर गांधी जी ने उन्हें लिखा था अरे तुम सिर्फ अपने दोषों पर ही विचार करते रहते हो तुम्हें अपने गुण भी तो देखने चाहिए हालांकि आपके बारे में इस उदाहरण और गांधी जी की सीख का मैं थोड़ा भिन्न ढंग से इस्तेमाल कर रहा हूँ पर ऐसा करना मुझे ज़रूरी लग रहा है भाई अशोक माहेश्वरी का पत्र अगर आपको विचलित करता हो तो क्या आप अपनी सफलताओं को ध्यान में नहीं ला सकते और सफलता क्या आपको कम मिली है पुरस्कारों के मामले में मेरी एक अमोरफस और नेबुलस धारणा है कि वे होने ही नहीं चाहिए पर आपको व्यास सम्मान मिला तो मन यह आनंदित हुआ कि चलो रमेश जी को थोड़ा भरोसा मिलेगा कि हिंदी समाज उन्हें जात बाहर नहीं मानता व्यास पुरस्कार की खबर मैंने कहीं नहीं पढ़ी हिंदू एक हिंदू अखबार को, को छोड़कर हिंदू में इसलिए ले लेता हूँ कि उससे मुझे ऐसे लोगों की मृत्यु की खबर जानने को मिल जाती है जिनसे जिन्हें हम कब के भूल चुके हैं अचानक हिंदू अखबार पलटते हुए आपकी तस्वीर एकदम साफ और बढ़िया दिखी तो मन एकदम खुशी से आया पता नहीं आपने ज्योत्ना जी और दोनों बेटियों ने उसे देखा है कि नहीं मनाता हूँ कि नहीं देखी है और मेरी भेजी कतरन से ही उन्हें देखेंगे आलोचना का पक्ष नाम की आपकी किताब जो है जिस पर ये पुरस्कार मिला है मैंने नहीं देखी है और मेरी भेजी कतरन से ही उन्हें देखने को मिलेगा आलोचना का पक्ष की शायद राठी जी ने बहुत बढ़िया समीक्षा कहीं की थी मुझे याद है अन्यथा यह पूर्वपूर्वापर किस्सा गुलाम हाँ सर इनकी समीक्षा की थी राठी जी ने अन्यथा यह पूर्वापर किस्सा गुलाम से उन्नीस में प्रकाशित होने के बावजूद ज़्यादा विस्मृत थी तो प्यारे रमेश जी आप मरमाहत न हो यह मेरी करबद्ध प्रार्थना है मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि अशोक महाश्वरी जैसे हजार पत्र भी आपको मरे मां आ जाए तो आपको बिल्कुल मरमाहत नहीं होना चाहिए अशोक माहेश्वरी की याद आए तो अशोक सेक्सरिया की आप याद कीजिए जो कि की आपकी रचनाएं पढ़ने के लिए अपने को अभिशप्त मानता है मेरे, मेरे इस अभिशप्त के आगे क्या अशोक माहेश्वरी का पत्र तुच्छ नहीं है विभूति बाबू की सुधीश पचौरी की समीक्षा की मुझे याद नहीं रह गई है पर पहली बार मुझे लगा कि सुधीश पचौरी ने मुझे कुछ उद्वेलित किया था और यह उद्वेलन विभूति बाबू की सफलता का द्योतक है पौराणिक प्रसंग तो अद्भुत है छल छल निश्चल यह तो मेरी आत्मा का लेखन है अब इस कहानी को कोई सामान्य माने तो वह जाए भाड़ में ऐसा कहने का साहस प्रभु मुझे दें प्रसंग अलबत्ता थोड़ा कटका प्रसंग शब्द कोई दूसरा व्यंग्यात्मक शब्द होना चाहिए था इसकी जगह क्या होना चाहिए मैं नहीं जानता विस्मृति और एक पौराणिक विस्मृति मुझे पढ़ते पढ़ते सूझा था लिखने वो अनंत बातें हैं कातरता मेरा स्वभाव है पर दूसरों की कातरता मुझसे बर्दाश्त नहीं होती अपनी एक आतरता तो बर्दाश्त करनी पड़ती है सो आपका पत्र बर्दाश्त नहीं हो रहा है यह पत्र बड़ा मडल्ड हो गया है ऑर्डर जीवन में कभी नहीं आ रहा है मेरे बस यही समाप्त कर देता हूँ बहुत बहुत राजुला के नाम भी इसके साथ पत्र है उसकी बातें उसे ही लिखूँगा शंपा और राजूला और ज्योत्ना जी मिलकर क्या रच रहे हैं नहीं जानता पर मंत्रमुग्ध होता रहता हूँ उस मंत्रमुग्ध संसार से आपका स्वर भिन्न नहीं हो सकता मैं नहीं जानता कि क्या लिख रहा हूँ पर न जानकर भी लिखा है अलका जी को आपका पत्र दे दिया था इस शुद्रताओं के संसार में कोई मुझे कह गया कि विभूति बाबू मुझे इसलिए पसंद है कि चंद्र शाह आपके मित्र हैं मैं उसे यह कैसे बताता कि मैं रमेश चंद शाह को ऐसा मित्र मानता हूँ जिनकी कोई रचना पसंद करने के ख्याल से नहीं दोष ढूंढने के ख्याल से ही उन्हें मैं ज़्यादातर पढ़ता हूँ इसलिए उनकी कातरता मुझे दुख देती है विभूति बाबू की कातरता का एहसास रमेश शाह की कातरता के आयाम से थोड़ा मिलता जुलता ज़रूर है पर वह उस कातरता को प्रकट करता है जो हमारे समय में विभूति बाबू जैसे व्यक्ति की ही नहीं विभूति बाबू मेरे उस उपन्यास के हीरो हैं हमारे समय में विभूति बाबू जैसे व्यक्ति की ही नहीं बल्कि एक संवेदनशील राजनीतिक कार्यकर्ता की भी नियति हो सकती है और मोटे तौर पर एक भारतीय की जिसकी आत्मा जीवित रह गई है अपनी सारी ग्रंथियों दुर्बलताओं के बावजूद सो so, निष्कर्ष ये है कि विभूति बाबू जिस भारत में रहते हैं और वह भारत कहीं नहीं है लेकिन जिसकी तलाश हर भारतीय को है अभी भी यह लिखते लिखते मेरे भतीजे की पत्नी आ गई और उसे मैंने आपका फोटो दिखलाया तो उसने कहा कि अरे इन्हें तो मैंने आपके यहाँ देखा है जो कुछ पत्थरों में कुछ गड़बड़ हुई क्रम गड़बड़ हो गया मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ ठीक से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ उनको पता नहीं मैं ये पढ़ चुका हूँ या कि आपके पत्रों की बातों का जैसे जैसे भी याद आती रहीं फिर से जा रही हैं तो मैं तत्काल जवाब दे रहा हूँ पत्र सामने रखे हैं पर उन्हें पढ़ने की मेहनत मुझसे नहीं हो पा रही है आपके पत्र पाने के बाद मैंने तद्भव प्राप्त करके उसमें श्रीलाल जी का श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास पढ़ा वह मुझे अच्छा शायद बहुत अच्छा लगा पर पढ़कर यह भी लगा कि वह एक कॉन्स्ट्रक्ट है मेरा पढ़ने का संस्कार यह है कि लेखन में कोई त्रुटि नहीं रहनी चाहिए नहीं लेखन में मेरा पढ़ने का संस्कार यह है कि लेखन में कोई त्रुटि रहनी ही चाहिए त्रुटिहीनता लेखन का गुण होने की बजाय अवगुण है कंस्ट्रक्ट त्रुटिहीन होता है क्योंकि वह कैलकुलेटेड होता है हिसाबी किताबी से उनका आशय है हम उसमें कंस्ट्रक्ट कॉन्ट्रैक्शंस नहीं पाते शायद गांधी जी और महर्षि अरविंद के बीच यही फर्क है गांधी जी के को आप कंस्ट्रक्ट के रूप में नहीं पा सकते उन्हें पाने के लिए आपको कंस्ट्रक्ट को धराशाई करना पड़ता है जनसत्ता में आपके सभी लेख मैंने लगातार पढ़े जो मुझे खटका था उसे छोड़ बहुत अच्छे और एक हिंदी पाठक समुदाय का परिष्कार करने वाले लेख थे वे सब के सब एक हिंदी लेखक का कहीं यह दायित्व तो भी है कि वह हिंदी जगत और हिंदी समुदाय को परिष्कृत करे सो जनसत्ता में लिखना बंद करना मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत निर्णय है आपका सेकुलर वादियों की ग़ुलाम मानसिकता को एक बार छोड़ दें तो संघ परिवार हिंदुत्व की जो परिभाषा कर रहा है और जो भी अपप्रचार कर रहा है उसे हिंदू के नाते कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है रमेश चंद्र शाह जैसे लेखक एक बुराई को तो देखें पर दूसरी को नहीं ये मुझे मंजूर नहीं एक पर्चा आपको भेज रहा हूं मैं कि देश में इत संगी क्या क्या कर रहे हैं हमें एक सोशलिस्ट मिले थे उन्होंने मुझे बताया कि उन दिनों उन्होंने मंदिरों में जाकर के किसी के निर्देश पर गोमांस रखने का काम किया था सत्ता में आने पर बंगाल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा ने जो पाप किए हैं वैसे ही पाप संघ भी करने पर तुला हुआ है आपने जिस कैंसर के संबंध में जो कतरन भेजी उसके लिए मन भराता है दो महीने घन घोर उसको लेकर मेरा मन काफ़ी शांत है अब कभी अशांति का कारण मेरे भाई के परिवार की उठता है उससे कैंसर वाली बात गुप्त रखी गई है पर उसका मलाल नहीं अशोक के कथादेश के इंटरव्यू के बारे में आपने पूछा था तो मेरा ये कहना है कि जिस व्यक्ति से आपको सचमुच लगाओ या प्रेम हो जो अशोक से मेरा है ऐसा मेरा मैं मानना है उसको वनरेबल रूप में देखना ठीक नहीं है कष्टदायी होता है वो बहुत सारे लोग उसके बारे में बकवास करते रहते हैं और उस बकवास से विचलित हो और अपने को डिफेंड करे और डिफेंड करने में एक प्रकार के आत्मश्लाघा का भी शिकार हो जाए ये देखना बड़ा दुखदायी कष्टदायी ही हो सकता है इस मामले में निर्मल वर्मा एक प्रकार के आदर्श हैं मॉडल हैं वह कभी भी अपने को डिफेंड नहीं करते लेखक को कभी अपने को डिफेंड नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल में जब वह जब कोई लेखक अपने को डिफेंड करने लगता है तो वह साहित्य को ही अवमूल्यन कर रहा है कि साहित्य भी कोई मंडेन वस्तु है हंस कथादेश और वर्तमान साहित्य के बारे में मैंने संकल्प किया है कि अब उन्हें उलटना पुलटना भी नहीं है पर यह संकल्प निभेगा नहीं क्योंकि भीतर कोई घटिया बैठा हुआ है मेरे भीतर घटिया हिंदी पना जो कि दाद को खुजलाने जैसा मुझे उलटने पुलटने को लाचार कर देगा हिंदी साहित्य में पत्रकारिता का स्तर अभी चरम क्षुद्रता पर पहुंच चुका है तब उसमें कोई इंटरव्यू देना अभद्रता इस, इस इस क्षुद्रता को बल देने वाला बढ़ाने वाला ही हो सकता है एक कतरन आपको और भेज रहा हूं डाविड की स्मृति में यह मुझसे पढ़ी नहीं जाती यदि डाविड की स्मृति नहीं हुई मेरा मित्र है। वेल्स का रहने वाला जो कलकत्ता गया था और अशोक जी के घर में एक दो दिन हम लोग रहे थे खूब बढ़िया बात है वो उनको अंग्रेज़ों की अपेक्षा आयरिश और वेल्स कैरेक्टर ज़्यादा पसंद थे जो कि मुझे भी इस तरह से हैं उन सब ने मुझे यह महसूस कराया है मैं मुश्किल से पंद्रह बीस यूरोपियों से निकट भाव से मिला हूँ सबने सब ने मुझे यह जद महसूस करवाया है कि हम हिंदुस्तानियों में ही कोई गड़बड़ है इसके लिए उनके प्रति गुस्से के बजाय एक प्रकार कि अपने को देखने की प्रवृत्ति ही हम में जगी है लेकिन उनसे मेरा कभी सहज व्यवहार हो सकता है ऐसी आशा मुझे कभी नहीं हुई डाविड ज़रूर इसका अद्भुत अपवाद साबित हुआ था और उसकी स्मृति मेरे मन में सदा रहेगी आप कहीं नहीं रहते विभूति बाबू की प्रति सांखलिया ने मुझे वाग ने आज मुझे वाग ने भेजी आप कहीं नहीं रहते विभूति बाबू को रमेश चंद्रा के नए उपन्यास की दो प्रतियों के रूप में और साथ में सच्चिदानंद सिन्हा की पुस्तक संस्कृति विमर्श की दो प्रतियां भेजने का ऑर्डर मैंने भारतीय भाषा परिषद की पुस्तकों की दुकान से करने का अनुरोध किया था पर जब वागदेवी से अपने आप प्रति मिल गई जो शायद आपके अनुरोध पर उन्होंने भेजी होगी तो मैंने अपने ऑर्डर के बारे में दरियाफ़्त किया तो पता चला कि ऑर्डर किया ही नहीं गया है सो भारतीय परिषद की कार्य संस्कृति का ये भी एक नमूना है शंपा को मैं दो तीन दिन में पत्र लिखूंगा अनुसुईया में ज्योस्ना जी की पत्रिका अनुसुईया में शाही जी की जो कविता छपी है उसे पढ़ने से पहले मैंने किस बेवकूफ़ी में उसे वही प्रार्थना वाली कविता मान लिया था जो कि मुझे बहुत पसंद है पढ़ी तो पाया कि अरे नहीं कविता वह नहीं दूसरी है पर पढ़ी तो लगा कि यह कोई उससे कम नहीं है साखी मैंने नौ या दस वर्ष पहले या उससे भी पहले कमलेश जी के छापे हुए संस्करण में कवि जो हमारे हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे कमलेश उनका जिक्र है ये तो मैंने साखी जो कि साहिद जी का प्रसिद्ध कविता संग्रह है साखी मैंने नोया दस वर्ष पहले या उससे भी पहले कमलेश जी के संस्करण में गिरधर राठी से दो दिन के भीतर लौटाने का वादा करके ताबड़तोड़ पढ़ ली थी और प्रार्थना वाली कविता को नोट कर लिया था प्रभु मुझे देना तो ऐसी विनम्रता देना वह कविता तो एकदम ही स्मृति में कहीं थी मैंने एक बार अपनी भतीजी की पत्नी को उसे सुनाने की बात सोची पर नहीं सुनाई यह सब लिखने का एक निमित्त ज्योत्ना जी को खुश करना भी है पता नहीं मुझे लग रहा है कि वह मुझसे नाराज हो गई हैं और मैं उन्हें हर हालत में खुश करना चाहता हूँ यह एक अजीब और एब्सर्ड स्थिति है दो तीन लाइन का पत्र मुझे लिखने को कहिएगा तो उनसे यह पत्र कर्तव्य भावना से लिखा गया है लिखना मेरे लिए एक असंभव कार्य हो गया है आप कैसे इतना लिख लेते हैं मैं अपने लिखने की कठिनता से तंग आकर अब यह सोचने लगा हूँ कि मुझे पत्र लिखने से भी संन्यास ले लेना चाहिए लिखा तो जाता नहीं और कर्तव्य मान कर पत्र लिखना पत्र लिखने का अपमान करना है बस अब बंद करता हूँ यहीं पर आप कहीं नहीं रहते विभूति बापू पर कॉन्ग्रेचुलेशंस बहुत बहुत स्नेह और कृतज्ञता पत्र के लिए पत्र पाने की अनुकंपा पर भरोसा करके क्षमा याचना बस मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है समय भी हो ही गया और कुछ पत्रों का क्रम कुछ उलट पुलट गया हो तो क्षमा करिएगा वैसे दोबारा तो नहीं ही पढ़ा होगा मैंने क्योंकि इतनी सारी कुछ रह ही गया होगा तो उसे रहने दीजिए इतना पर्याप्त है आपको अशोक सेक्सेरिया के पत्र कैसे होते थे किस तरह वे उनके व्यक्तित्व के एक अत्यंत संवेदनशील पक्ष को प्रस्तुत करते हैं इसका काफ़ी कुछ अनुमान हो गया होगा मैं आप सबको और भाई अर्पण कुमार जी को जो इस आयोजन के कर्ता धर्ता हैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने यह अवसर जुटाया अपने प्रगाढ़तम घनिष्ठतम मित्रों को याद करने का पहले नवीन सागर और अशोक सक्सरिया इन पर और लोगों का भी वक्तव्य बहुत तन्मयता के साथ सुना पूरा कार्यक्रम ही बहुत ही याद दिलाने वाला उन की अच्छाइयों की उनके गुणों की बहुत ही मार्मिक रहा इसके लिए आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ